अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपको इस कोर्स के बारे में और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि क्या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर होता है और कैसे इसको सीख के हम क्या क्या काम कर सकते हैं और किस तरीके से अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। और इस कोर्स के बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि इस कोर्स के अंदर में हम क्या क्या सीखेंगे और किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो कई देखो, एक बेसिक डेफिनेशन सभी को पता होगी कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम एक तरीके से मार्केटिंग करने का ही एक तरीका है जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, और हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को इंटरनेट की हेल्प से प्रमोट करना सीखते हैं। लेकिन वो होता कैसे है और किस तरीके से वो हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो डिमांडिंग स्किल है 2023 और आने वाले टाइम के अंदर। तो वो किस तरीके से इन डिमांड के अंदर है स्किल और क्यों कैसे हमारी हेल्प कर सकती है। सो गाइज, आप सभी लोगों को पता है कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है। हमारे पास कोई बिजनेस है, सर्विस है, या फिर किसी भी तरीके के इंडिविजुअल पर्सन को अगर हमने लोगों तक रीच आउट करना है तो हम इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उन तक पहुंच सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखते हैं। हमारे पास कोई बिजनेस है या सर्विस है या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, अगर वो इन्फॉर्मेशन हमने इंटरनेट के थ्रू लोगों तक पहुंचानी है तो हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट पे हम अपनी सर्विसेज को, अपने बिजनेस को या फिर इंडिविजुअल जो भी पर्सन है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं और हम लोगों तक जब पहुँचाएंगे तो उस वेबसाइट को विजिट करके उसके बारे में जान सकते हैं। तो वेबसाइट हम बनाना सीखते हैं वर्डप्रेस के थ्रू, विदाउट एनी कोडिंग के। ना कोई टेक्निकल नॉलेज वहाँ पे हमें चाहिए रहती है, ना कोई कोडिंग की जरूरत हमें पड़ती है। तो बेसिकली ये सारा काम होता है टूल्स की हेल्प से। तो उन टूल एंड टेक्निक्स के थ्रू हम कैसे अच्छी वेबसाइट को बना के इंटरनेट पे पब्लिश कर सकते हैं, उन सारी टेक्निक्स को हम वेबसाइट डिजाइनिंग के पार्ट में सीखते हैं। देन जब हम वो वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि उस वेबसाइट को लोगों तक हम कैसे पहुँचा सकते हैं। उसके बाद जो काम होता है वो उसकी मार्केटिंग करने के लिए जो पार्ट होते हैं वो होते हैं, और उस पार्ट में जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो है सर्च इंजन्स। तो हम उसके बाद में उस वेबसाइट को सर्च इंजन्स के थ्रू लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं वो सीखते हैं। सर्च इंजन्स लाइक आप समझ सकते हो, जब मैं नाम बताऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सर्च इंजन आखिरकार होते क्या है। जो सबसे बड़े सर्च इंजन्स हैं लाइक गूगल है, बिंग है, याहू है, बाइडू है। तो हम उन टेक्निक्स को सीखते हैं कि कैसे हम उस वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक करवा सकते हैं, या गूगल या बिंग को या याहू को यूज करके हम लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो वहां पे हम सीखते हैं सबसे पहले SEO। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब है कि उन टेक्निक्स एंड टूल्स को यूज करके उस सर्च इंजन के हिसाब से उस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, उस जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उसको उस सर्च इंजन के हिसाब से उस वेबसाइट पे डालना और उस हिसाब से उस वेबसाइट को बनाना। तो वो सारी टूल्स एंड टेक्निक्स, कैसे हम उन टेक्निक्स को फॉलो करके उस वेबसाइट को गूगल के ऊपर रैंक करवा सकते हैं, दैट्स मीन्स सर्च इंजन्स के ऊपर कैसे रैंक करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम SEO के अंदर सीखते हैं। देन सर्च इंजन्स का ही सेकेंड पार्ट आता है मार्केटिंग का, तो उसमें हम जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। अब उसके थ्रू अगर हम मान लो कि एक कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि हमारे बिजनेस को SEO करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि एफर्ट्स हमें ज़्यादा लगाने पड़ेंगे क्योंकि और भी हमारे पास जो कंपिटिटर है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में हम सर्च इंजन्स के ऊपर एड्स रन कर सकते हैं, लाइक जिसको हम गूगल एड्स, बिंग एड्स और याहू एड्स भी बोल सकते हैं। तो उन एड की हेल्प से हम जो लोग भी हमारे बिजनेस के बारे में सर्च कर रहे हैं उन तक पहुंच सकते हैं। और आपको पता है गाइस कि गूगल के ऊपर लाखों लोग किसी भी बिजनेस से रिलेटेड प्रतिदिन सर्चेज करते हैं। अगर हम उन क्वालिटी कस्टमर के पास पहुंच सकते हैं तो हमारे पास उस सर्च इंजन के हेल्प से ही भर भर के कस्टमर्स आएंगे। तो इसीलिए बहुत सारे बिजनेस हैं जो ट्राई कर रहे हैं गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए एड्स रन करते हैं, तो वहाँ पे भी कंपटीशन होता है। तो उन कंपटीशन के अंदर रहते हुए हम किस तरीके की टेक्निक्स और टूल्स को यूज करके अच्छे तरीके से क्वालिटी कस्टमर को लेके आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम सर्च इंजन्स ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर सीखते हैं। उसके बाद में जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स आते हैं वो है सोशल मीडिया के। देन हम
अपने बिजनेस या सर्विसेज को कैसे प्रमोट कर सकते हैं सोशल मीडिया की हेल्प से, वो सारी टेक्निक्स हम सोशल मीडिया वाले पार्ट में सीखते हैं। और यहाँ पे भी हमारे पास सबसे पहला पार्ट आता है SMO। SMO का मतलब होता है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कि अलग अलग सोशल मीडिया, देखो आप सभी को पता है, आप सभी लोग यूज करते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फिर भी मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ कि किस टाइप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आप सभी को पता है, लाइक जो है, एक तो है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, कोरा है, और इसी तरीके के और भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर किसी बिजनेस के लिए क्वालिटी ऑडियंस हो सकती है। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा डिफरेंस भी आ जाता है, लाइक जब हम सर्च इंजन्स की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ हमें पता है कि हम गूगल पे कब जाते हैं, जब हमें कोई चीज़ की नीड होती है तब हम गूगल पे जाते हैं और वहाँ पे जाके सर्च करते हैं पर्टिकुलर किसी बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, या जो भी हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है उसके बारे में हम सबसे पहले गूगल के ऊपर जाके सर्चेज करते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई ऐसा बिजनेस है, ऐसी कोई सर्विस है जिसके बारे में सर्चेज नहीं हो सकते, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है कि लोगों को उनकी नीड तो है लेकिन उनको नहीं पता कि वो प्रोडक्ट किस नाम से जाना जाता है या हम उसको कैसे ढूंढ सकते हैं, तो हम उन कस्टमर को भी रीच आउट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, हम ऐसे इंटरेस्टेड लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास दोनों पार्ट्स के नॉलेज है कंप्लीट, तो हम किसी भी बिजनेस को किसी भी तरीके से ग्रो कर सकते हैं और उसके लिए क्वालिटी कस्टमर को लेके आ सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग बिजनेस के हिसाब से ऑप्शंस दिए होते हैं और अलग अलग बिजनेस के हिसाब से टूल्स दिए होते हैं कि ताकि हम हमारे पास जो भी काम है, बिजनेस है, सर्विस है, या इंडिविजुअल जो भी लोगों तक रीच आउट करना चाहता है तो वह कैसे कर सकता है, उसके लिए हम यहाँ पे पेजेस क्रिएट करते हैं, उनको ऑप्टिमाइज करते हैं और हमारे कंटेंट को उस तरीके से ऑप्टिमाइज करके इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। आप सभी को पता है एल्गोरिदम नाम की भी एक चीज होती है, और जब भी आप कोई कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लाइक रील्स आप देखते हैं या वीडियोज आप देखते हैं, तो सेम तरीके के कंटेंट आपके सामने क्यों आता है, क्योंकि वो सारे एल्गोरिदम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेट किए हुए हैं। तो हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के अंदर उन प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस तरीके के एल्गोरिदम को फॉलो करता है और हम उस एल्गोरिदम को समझ के कैसे उन लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं जो हमारे काम के हो सकते हैं। सो गाइज, हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में फ्री मेथड को सीखते हैं कि ऑर्गेनिकली कैसे लोगों तक रीच आउट करना है। देन उसी के बाद सोशल मीडिया का दूसरा पार्ट आता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग को हम एड्स के नाम से भी जान सकते हैं, लाइक उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हम एड्स को रन करना सीखते हैं। कॉमनली आपने सुना होगा कि फेसबुक के ऊपर एड्स चलती है, इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स चलती है। सो गाइज, ये तो है ही है कि फेसबुक पे कैसे ऐड रन करना है, इंस्टाग्राम पे कैसे ऐड रन करना है, और क्वालिटी जो एड्स हैं, एड्स को रन करके क्वालिटी जो कस्टमर है या हमारा कोई प्रोडक्ट है तो उसको कैसे सेल कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। और उन सारी टेक्निक्स को फॉलो करके आपको भी पता है कि कितनी सारी ऑडियंस है जो आज के दिन इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है, लिंक्डइन पे है, स्नैपचैट पे है, और भी जितने भी प्लेटफॉर्म है, MX टकाटक है, शेयर चैट है, इन सारे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारी ऑडियंस आज के दिन मौजूद है और इनको हम रीच आउट कर सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू। तो वो सारी टेक्निक्स, किस तरीके से वो एड्स को रन करना है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए, हमारे पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, हमारे कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, हमारी एड्स का अच्छा रिजल्ट कैसे आ सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले पार्ट में हम सीखते हैं। अब यहाँ पे हम सर्च इंजन्स की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, तो वहीं पे हम फोटोज़, वीडियोज़, इस तरीके का कंटेंट, मीडिया की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रोल भी आता है कि हमें उन सभी चीज़ों के बारे में पता भी होना चाहिए, लाइक वो जो बैनर्स बनते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, या जो वीडियो एडिट होती है वो कैसे होती है। तो साथ के साथ हम इन चीज़ों के ऊपर भी काम करते हैं, इन चीज़ों का भी पर्टिकुलर हमारे पास एक मॉड्यूल है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कि हम प्रॉपर बैनर कैसे बना सकते हैं अगर हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो हम लोगों तक, चलो ठीक है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू ऐड चला के किसी भी तरीके से हम उन तक पहुँच तो रहे हैं, लेकिन हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे तो वो लोग हमारे पास जुड़ेंगे कैसे। तो उसके लिए हमें एक अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हम उन बैनर्स को बना सकते हैं कि कस्टमर तक जब वो पहुंचे तो वो उसको समझ पाएं। देन उसी के साथ साथ जो सबसे मेन पार्ट आता है इन सारे मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो है वीडियो का।
तो वीडियो कंटेंट आज के दिन इतना ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम किया जा रहा है कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सभी लोग शॉर्ट कंटेंट या लॉन्ग कंटेंट को वीडियो के फॉर्मेट में कंज्यूम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वहीं पे हम वीडियो एडिटिंग को सीखते हैं कि लाइक एक प्रॉपर तरीके से एक वीडियो को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे एडिट किया जाता है, उसको कैसे एंगेजिंग बनाया जाता है। अगर हम रील बना रहे हैं तो रील को किस प्रस्पेक्टिव से हमें बनाना है, या फिर एक लंबी वीडियो बना रहे हैं तो उसको किस प्रस्पेक्टिव से बनाना है और उसकी एडिटिंग किस टाइप से होनी चाहिए, ये सारी टेक्निक्स को, ये सारे तरीकों को हम वीडियो एडिटिंग वाले पार्ट के अंदर सीखते हैं। उसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है यहीं पे यूट्यूब का। अब यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और आपको पता है कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब के ऊपर अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और अपने चैनल को किस तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं और वहाँ से उनकी कितनी इनकम हो रही है। तो आप सभी लोग यूट्यूब को यूज़ करते हो और इस टाइप के कंटेंट क्रिएटर को ज़रूर आप किसी न किसी को फॉलो करते हो, और आपको भी पता है कि यूट्यूब के ऊपर कितना पोटेंशियल है किसी भी बिजनेस के लिए। इंडिविजुअली अगर हमारे पास कोई स्किल है तो हम उसको यूट्यूब पर जाके एज एन वीडियो फॉर्मेट के अंदर शेयर कर सकते हैं और वहां से अपने चैनल को ग्रो करके कितना अच्छा एक तरीके से काम कर सकते हैं। तो यूट्यूब को भी आजकल एज एन बिजनेस बिजनेस पर्पज से यूज किया जाने लगा कि अगर आप एक चैनल अपना क्रिएट करते हो तो उससे अर्निंग कैसे कर सकते हो। तो ये सारे तरीके की एक चैनल कैसे बनाना है, उसके लिए उन वीडियोज को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, थंबनेल कैसे क्रिएट किए जाते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स किस तरीके से, सारी टेक्निक्स को रिसर्च करके हम यूज़ कर सकते हैं, तो हम यूट्यूब मार्केटिंग वाले पार्ट में हम सीखते हैं। अब देखो ये सारे तरीके थे कि मेन मेन जो डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करके हम कर सकते हैं किसी भी बिजनेस पर्पज़ के लिए, या किसी भी सर्विस को सेल करने के लिए, या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को प्रमोट करने के लिए, रीच आउट करने के लिए लोगों तक। उसके बाद में भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सीखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि इन सारे तरीकों से हमने लोगों तक रीच आउट कर लिया और उन लोगों की लीड हमारे पास आ गई, उन लोगों की जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो हमारे पास आ गई। तो अब हम एक तरीके से दूसरे मेथड्स के थ्रू उन लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं और वो बहुत चीप भी होते हैं, वो बहुत सस्ते भी होते हैं और बहुत इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारी हमने सर्च इंजन्स के ऊपर अपनी वेबसाइट का SEO कर दिया और वहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट के अंदर एक फॉर्म दिया, वो फॉर्म के अंदर हम उनका नाम, नंबर और ईमेल एड्रेस ले रहे हैं। तो ये सारी डिटेल हमारे पास आने के बाद हम उन लोगों तक ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, उन लोगों तक व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, उन लोगों तक मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग के अंदर हम उन लोगों तक डेली जो ईमेल आईडी है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, उन सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेशन के थ्रू काम होता है कि उस सॉफ्टवेयर को हमने वो सारी ईमेल आईडी दे दी या फिर हमने कनेक्ट कर दिया, ऑटोमेटिक जो ईमेल हमारे पास आएगी वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के पास जाएगी और वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उन लोगों के पास डेली एक ईमेल, दो ईमेल जितनी भी हमने सेट कर रखी होगी वो सेंड करता चला जाएगा। सेम ऐसे ही व्हाट्सएप मार्केटिंग के अंदर होता है, जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं, जो नंबर व्हाट्सएप पे हैं, ऑटोमेटिक व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू उनके पास मैसेजेस जाते रहेंगे पर्टिकुलर जो हम सेट कर देंगे। सेम इसी तरीके से मोबाइल मार्केटिंग के अंदर हम SMS मार्केटिंग और कॉल जो कॉलिंग की जाती है वो किस तरीके से करनी होती है वो सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पर सीखते हैं। तो ये सारे तरीके थे प्रमोशन के। अब इन सारे प्रमोशन के तरीकों से हम कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं, तो वो अर्निंग वाले भी कुछ पार्ट्स यहाँ पे हम इंक्लूड किए हुए हैं कि किस किस तरीके से उन पार्ट्स के थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेजर और सबसे बड़ा पार्ट आता है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट है तो हम उसको कैसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, वो सारे तरीकों को हम सीखते हैं और कैसे उस प्रोडक्ट को सेल करके हम अर्निंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं भी है तो दूसरे जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, कोई पर्सन अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल नहीं करता है और बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिनको उठा के हम अपना एक स्टोर बना के या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई जैसी वेबसाइटों को यूज करके सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इन्हीं सारी टेक्निक्स को यूज करते हुए। तो ई कॉमर्स के अंदर वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखते हैं। देन उसके बाद में एक आजकल सबसे जो ज़्यादा टर्म चली हुई है एफिलिएट मार्केटिंग की, वो वाला पार्ट भी यहाँ पे आता है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि प्रोडक्ट किसी और का होता है, वो मार्केटिंग करने के लिए ऐसी वेबसाइट के ऊपर डालता है जहाँ पे ऑलरेडी मार्केटर जुड़े हुए हैं, जिसको हम मार्केट प्लेस बोलते हैं। अब हम मार्केट प्लेस से हम उस प्रोडक्ट का लिंक लेते हैं और उस लिंक को हम प्रमोट करते हैं। देखो प्रमोशन के हमने कुछ मेथड्स तो यहाँ पे बात कर ही लिए और उन्हीं मेथड्स के थ्रू हम उस लिंक को भी प्रमोट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक और पेड बहुत आर मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं, दोनों मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं और उन मेथड्स के थ्रू जैसे ही उस लिंक के थ्रू उस प्रोडक्ट को कोई
बाय करता है तो हमें कमीशन जनरेट होता है, उस कमीशन को हम एफिलिएट कमीशन बोलते हैं। जैसे हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, आजकल हर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एफिलिएट का ऑप्शन होता है, तो हम किसी भी प्रोडक्ट को एफिलिएट कर सकते हैं इन्हीं सारी टेक्निक्स का यूज करते हुए। एफिलिएट मार्केटिंग के बाद में एक इम्पोर्टेंट पार्ट और रह जाता है फ्रीलैंसिंग का। अब फ्रीलैंसिंग में हम क्या सीखते हैं कि अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे हम क्लाइंट को ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक तरीके से सर्विसेज, मतलब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपने एक स्किल सीखी कि आप एक वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो, तो हर कोई बिजनेस को एक प्रॉपर पूरी टीम की नीड नहीं होती है कि उसको सारे डिजिटल मार्केटर की नीड रहेगी। अब किसी बिजनेस को मान लो कि अभी के लिए एक वेबसाइट बनानी है, और वेबसाइट एक लॉन्ग टर्म तक का काम होता है कि अगर आपने एक वेबसाइट बना ली तो वो एक साल तक आपकी रहेगी, उसके लिए कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं चाहिए जो उसको हैंडल कर सके। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं उनको शॉर्ट टर्म के लिए काम करवाना होता है, तो वो फ्रीलांसर को ढूंढते हैं। लाइक अगर मेरे को एक वेबसाइट डिजाइनिंग की स्किल आती है, तो मैं अपने आप को अलग अलग वेबसाइट होते हैं फ्रीलांसिंग की, उनके ऊपर अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करके, ऑप्टिमाइज करके, उनके ऊपर गिग्स क्रिएट करके, उनके ऊपर अपनी स्किल को लिस्ट करके, अपनी सर्विस को लिस्ट करके, वहां से क्लाइंट को ग्रैब कर सकता हूं। या फिर जो हम टेक्निक्स हम सीखते आ रहे हैं एक वेबसाइट का एसईओ करके, मार्केटिंग करके, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, या फिर व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू, उन सारे क्लाइंट्स तक कैसे पहुंच सकते हैं और उन क्लाइंट्स को हम कैसे ले सकते हैं कि भाई आपने एक वेबसाइट बनानी है तो आपको, मेरे को वो प्रोजेक्ट मिला एक वेबसाइट बनाने का, एक पर्टिकुलर टाइम तक मैंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके दिया, जिसके बदले मेरे को उस एक एक्स अमाउंट जो भी मेरा चार्ज है वो मैंने चार्ज ले लिया। देन मैं इसी तरीके से मल्टीपल क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकता हूँ अगर मेरी कोई भी एक अच्छी एक पार्ट के अंदर मेरी पकड़ बन जाती है। तो लाइक मैं किसी के लिए फेसबुक ऐड रन कर सकता हूँ, मैं किसी के लिए सोशल मीडिया हैंडलिंग कर सकता हूँ, मैं किसी के लिए गूगल ऐड चला सकता हूँ, मैं किसी को वेबसाइट बना के दे सकता हूँ, मैं किसी के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकता हूँ, मैं किसी के लिए वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, ईमेल मार्केटिंग कर सकता हूँ, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकता हूँ, ये जितनी सारी चीज़ें हैं मैं दूसरों को एज एन सर्विस के तरीके से सेल कर सकता हूँ। तो वो सारी टेक्निक्स हम फ्रीलांसिंग के अंदर सीखते हैं कि अब इन सारी सर्विसेज को मैं कैसे सेल करके पैसे कमा सकता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक ऑप्शन है कि एक अच्छी जॉब को हमें कैसे ग्रैब करना है, उसके लिए हम एक रिज्यूमे कैसे बनाना होता है, एक इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन होती है, और किस तरीके से हम अपने खुद के बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो वो सारी टेक्निक्स, आपका एक एम होता है, एक गोल होता है, वो सारी चीज़ें हम इंटर्नशिप के अंदर आपकी पूरी करते हैं। 2 महीने की इंटर्नशिप होती है, और इंटर्नशिप के अंदर जो आपको अचीव करना है थ्रू द डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटिंग, वो हमारी तरफ से 2 महीने की कंप्लीट सपोर्ट की जाती है, और वो इसी कोर्स के अंदर इंक्लूड है कि आप अपने गोल को अचीव करो। या तो आपका गोल हो सकता है कि आपको जॉब ग्रैब करनी, या आपका गोल हो सकता है कि मेरे को फ्रीलांसिंग क्लाइंट हैंडल करने, या आपका गोल हो सकता है कि मेरे को ऑनलाइन मनी मेकिंग के आइडियाज़ को सीखना है, आपका गोल हो सकता है कि मेरा कोई बिजनेस है मैंने उसको ग्रो करना है ऑनलाइन, XYZ आपका कोई और भी गोल हो सकता है, लाइक मेरे को यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, मेरे को इंस्टाग्राम पेज ग्रो करना है, मेरे को और बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक मेरे को सिर्फ फेसबुक एड्स के अंदर अच्छा बनना है, मेरे को उसको चला चला के देखना है, उसको गूगल एड्स को अच्छे से सीखना है, मेरे को ब्लॉगिंग को अच्छे तरीके से एक्सपोजर उसमें लेना है। तो वो सारी चीज़ें हम इंटर्नशिप के अंदर हर एक पर्सन के इंडिविजुअल जो गोल होते हैं उनमें हम सपोर्ट करते हैं, और 2 महीने तक हमारी प्रॉपर सपोर्ट रहती है जब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं। उसके बाद में भी इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो हमारी एकेडमी की तरफ से आपको प्रॉपर लाइफ टाइम सपोर्ट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। और उसी के साथ साथ अगर जो हम कोर्स के अंदर आपको टूल सिखाएंगे वो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे लाइफ टाइम के लिए, आप उनको यूज कर सकते हो, आप किसी क्लाइंट के लिए भी काम करते हो तो उसमें भी उनको यूज कर सकते हो, और उनकी अगर आप मार्केट के अंदर वैल्यू देखोगे, इंडिविजुअल परचेज करने जाओगे तो 50,000 to 80,000 के आसपास उनकी वैल्यू आपको मिलेगी। तो वो सारे टूल्स आपको फ्री में प्रोवाइड करवाए जाते हैं हमारे इस कोर्स के अंदर ही, ताकि आप उन सभी को यूज करके अपने लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ को ले पाओ और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप काम कर पाओ। सो गाइज, अगर आप इस कोर्स को सीखना चाहते हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक फॉर्म दिया होगा, उस फॉर्म में आप अपनी डिटेल्स को फिल कर सकते हो, और आने वाले सैटरडे संडे को या फिर जिस भी तारीख को जो डेमो क्लास है आप उसको आके अटेंड कर सकते हो, और आगे आने वाले जो भी बैचेज होंगे उसमें आप एनरोल कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।